Hello guys, welcome to my channel. My name is Abhishek and in today's video we'll discuss how to copy the content of one file to another file. ठीक है, हमने पिछले प्रोग्राम में क्या देखा था, हमने सिंपली एक फाइल वन ले रखी है, उसमें हमने डेटा डाला हुआ है ऑलरेडी. ठीक है, और उससे हमने डेटा सिंपली फेच करके उसको प्रिंट करा दिया था. ठीक है, तो रीडिंग फ्रॉम अ फाइल हमने फर्स्ट प्रोग्राम में देख लिया है. अगर आपने नहीं दिखा है तो यू कैन वॉच दैट, आई गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. अब इस क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं, हम उसी फाइल से हमने क्या किया, सबसे पहले हमने फर्स्ट प्रोग्राम में फाइल वन जो हमारी थी फाइल वन डॉट टी एक्स टी, उसमें हमने कंटेंट डाला हुआ था, उसको हमने रीड किया था. अब हमें फाइल वन डॉट टी एक्स टी में हमारा कंटेंट पड़ा हुआ है. अब मेरे को उसको फाइल टू डॉट टी एक्स टी नाम की जो मेरी फाइल है मैंने बना रखी है, तो मेरे को इसमें इस कंटेंट को कॉपी करना है. ठीक है, पहले आपको दिखा देता हूँ कि मेरी जो फाइल वन है और फाइल टू में उसमें फिलहाल क्या क्या कंटेंट पड़ा हुआ है, उसके बाद हम ये प्रोग्राम समझेंगे. ठीक है, सो गाइज फाइल वन हमारी ये है. देखो फाइल वन में हमने सिंपली पिछले प्रोग्राम में भी देखा था ना, ये कंटेंट पड़ा हुआ है 1 2 3 4 5 6 एंड 7 ASD. ठीक है, और फाइल टू मैं आपको दिखा देता हूँ इनिशियली. ठीक है गाइस, फाइल टू जो है मेरी एम्प्टी पड़ी हुई है, इसमें अभी कोई कंटेंट नहीं है. हमें फाइल वन का ही सारा कंटेंट फाइल टू में आ जाएगा हमारा. ठीक है, तो इसको हम क्लोज करते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट द प्रोग्राम. सिंपली हमें क्या किया हुआ है, हमने यहाँ पे सिंपली दो फाइल नाम के स्ट्रक्चर बना लिया FP और FP2 नाम से. ठीक है, एक कैरेक्टर मैंने डिफाइन कर लिया कैर CH, और सिंपली क्लियर स्क्रीन ताकि अपना जो रिजल्ट है उससे हट सके, अगर कुछ पुराना रिजल्ट हो तो कुछ भी. सिंपली मैंने क्या किया गाइस, देखो पहले मैंने एफ ओपन, सबसे पहले मैंने दो फाइल चाहिए मेरे को. ठीक है, तो दो फाइल के लिए मेरे को दोनों फाइल को खोलना पड़ेगा, तो उसके लिए मेरे को दो फाइल नाम के पॉइंटर बनाने पड़ेंगे. तो मैंने एक FP बनाया और एक FP2 बनाया हुआ है. FP में मैंने क्या किया हुआ है, सिंपली यहाँ पे इसमें दो पैरामीटर आते हैं. एफ ओपन में हमने पिछली बार भी डिस्कस किया था पिछले वीडियो में, एफ ओपन में सबसे पहले मैं यहाँ पे पाथ दूंगा कि मेरी फाइल का पाथ क्या है. यहाँ पे मैंने फाइल वन डॉट टी एक्स टी ले रखा है. ठीक है, तो मैंने इसका फाइल दे दिया पूरा अपना डेस्कटॉप वगैरह जहाँ पे अपने फाइल डाल रखी है. फिर मैंने इसको रीडिंग मोड में खोला है, क्यों, क्योंकि मेरे को फाइल वन डॉट टी एक्स टी से रीड करना है कंटेंट और फाइल टू में डालना है. ठीक है ना, तो फाइल टू डॉट टी एक्स टी में मैं कंटेंट डाल रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको क्या कर दिया है, सिंपली एक एफ पी टू नाम का एक पॉइंटर ले लिया है. और फाइल टू मैंने इसमें यहाँ पे दे दिया कि मेरे को फाइल टू ओपन करो, और मैंने क्या इसको राइटिंग मोड में खोला हुआ है. ठीक है, क्यों, क्योंकि मेरे को इसमें राइट करना है सेकेंड जो मैंने फाइल बनाई है. ठीक है ना, अब मैं क्या करूँगा, जैसे मैंने फर्स्ट प्रोग्राम में हमने किया था कि हम एक एक वैल्यू उठा लेते गेट सी फंक्शन से, एक एक कैरेक्टर उठा लेते, वैसे ही मैंने इसमें कंसेप्ट यूज़ किया हुआ है. ठीक है, तो गाइस हमने यहाँ पे क्या किया है, यू कैन सी मैं यहाँ पे वाइल लूप लगाया है. वाइल में अगर आप कोई भी वैल्यू देते हैं, अगर जीरो होती है तो फॉल्स मानी जाती है, 78 या कोई भी वैल्यू दोगे -5 एनीथिंग तो वो ट्रू की तरह ट्रीट होगी. ठीक है, तो मैंने मतलब वाइल ट्रू एक इनफाइनाइट टाइप का लूप चला दिया फॉर द टाइमिंग. फिर मैंने क्या किया, कैरेक्टर फेच किया सी एच इक्वल टू गेट सी एफ पी, जो मैंने पिछली बार भी पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि ये क्या करता है, गेट सी फंक्शन एक कैरेक्टर उठा लेता है फाइल से. कौन सी फाइल से उठाएगा, एफ पी मैंने बोला हुआ है. तो एफ पी कौन सी फाइल थी, एफ पी ये वाली थी, एफ फाइल पॉइंटर इज पॉइंटिंग टू फाइल वन डॉट टी एक्स टी. ठीक है, तो फाइल वन डॉट टी एक्स टी से ये हमारा वैल्यू उठाएगा, मतलब एक कैरेक्टर उठा लेगा. ठीक है, तो फाइल वन में जो हमारे से हमने 1 2 3 4 करके मैंने आपको दिखाया था ना कि इसमें कंटेंट पड़ा हुआ है, ONE1 वगैरह हमारे डेटा डाला हुआ है, तो ये ओ उठा लेगा फॉर द टाइमिंग, एक कैरेक्टर उठाएगा. फिर चेक करेगा कि इफ जी एच इज इक्वल टू एंड ऑफ फाइल. अब एंड ऑफ फाइल क्या होता है, मैंने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था, ये हमारा पूरे अगर फाइल खत्म हो जाती है तो उसके बाद ये हमारा एक स्पेशल कैरेक्टर टाइप का होता है, वो हमारा हमेशा जुड़ जाता है. एंड ऑफ फाइल हमारा बताता है कि फाइल आपकी, मतलब इसमें कोई डेटा नहीं बचा है, खत्म हो गया. ठीक है ना, मैंने वही लिखा हुआ है, जब फाइल एम्प्टी हो जाएगी सो इट डन. तो अगर हमारा कैरेक्टर इक्वल टू एंड ऑफ फाइल है तो हमने ब्रेक कर दिया सिंपली, तब ये हमारा लूप टर्मिनेट होएगा. ठीक है, तो इनिशियली तो अभी तक नहीं है क्योंकि हमने कंटेंट डाला हुआ है, तो सी एच इक्वल टू गेट सी एफ पी चलेगा. हमने पहला कैरेक्टर फेच किया, फिर मैंने सिंपली उसको क्या किया, प्रिंट कर दिया. यहाँ पे मैंने पहला कैरेक्टर उठाया, प्रिंट कर दिया. फिर मैंने क्या किया कि पुट सी, पुट सी फंक्शन क्या होता है, गेट सी फंक्शन जैसे कि हम एक फाइल से कंटेंट को उठाते हैं, तो पुट सी फंक्शन से क्या होगा, पुट सी फंक्शन से हमारा हम किसी फाइल में कंटेंट डाल सकते हैं सिंपल. जैसे क्या, गेट सी से कैरेक्टर उठा रहे हैं एक कैरेक्टर, पुट सी से एक कैरेक्टर हम फाइल के अंदर डाल रहे हैं. अब मैं किस फाइल के अंदर डाल रहा हूँ, यहाँ पे एफ पी टू, जिस जो पॉइंटर एफ पी टू जिसको पॉइंट कर रहा है, एफ पी टू किसको पॉइंट कर रहा है मेरा, एफ पी टू से मैंने अपना जिसमें कंटेंट डालना है राइटिंग वाली फाइल पर. ठीक है ना, फाइल टू जो मेरी टी एक्स टी, तो इसलिए क्या होगा, फाइल टू डॉट टी एक्स टी में मेरा कंटेंट चला जाएगा. अब हम ये प्रिंट क्यों कर रहे हैं, ये मर्जी है, इसको प्रिंट करो नहीं करो. ठीक है, कि मैं यहाँ पे दिखा रहा था कि मेरा फाइल में जो कंटेंट होगा वो प्रिंट हो जाएगा. और सिंपली पुट सी फंक्शन से क्या हो रहा है कि हमने उसमें एक एक करेक्टर जो हमने यहाँ पे फेच किया था ना, यहाँ से हमने एक एफ पी जो हमारी फाइल है, फाइल वन से हमने करेक्टर उठाया सी एच में, और पुट सी हमने फाइल पॉइंटर टू में सी यहाँ पे करेक्टर डाल दिया. ठीक है ना, एक कैरेक्टर जो था हमने फाइल एफ पी टू जो जिसको पॉइंट कर रहा है, दैट इज हमारी फाइल टू में हमने कंटेंट डाल दिया एक एक कैरेक्टर. फिर सिंपली जो हमारा लूप खत्म हो जाएगा, जैसे हमारा एंड ऑफ फाइल होगा तो ब्रेक हो जाएगा, बाहर आएगा. फिर हमने क्लोज कर दिया एफ क्लोज एफ पी, और हम यहाँ पे एफ क्लोज सी एल ओ एस ई एफ पी वन भी कर देते हैं. ठीक है,
फाइल पॉइंटर हमने दोनों के बंद कर दिए और हमने एक सिंपल सा मैसेज दे दिया कि डाल दिया फाइल टू में कंटेंट. ओके, वी हैव इंसर्टेड द कंटेंट. नाउ लेट्स सी गाइस क्या आंसर आता है. एरर आ रही है एक अनडिफाइंड FP1. ओके, FP1 नहीं है, FP2 लिया हुआ है. ओके, नो प्रॉब्लम, लेट्स कंपाइल इट एंड देन रन इट. यू कैन सी प्रिंट क्या हो रहा है, डाल दिया फाइल टू में कंटेंट. नाउ लेट्स चेक कि हमारा कंटेंट फाइल टू में जा चुका है कि नहीं जा चुका है. ठीक है, मैंने इनिशियली आपको दिखाया था कि फाइल टू मेरा एम्प्टी था. ठीक है, फाइल वन में देखो मेरा क्या कंटेंट था, 1 2 3 4 5 6 एंड दिस. अब मैं फाइल टू को ओपन करता हूँ तो मेरा फाइल टू में भी ये सेम कंटेंट आ चुका है. ओके, यू कैन सी फाइल टू में मेरा कंटेंट आ चुका है, फाइल वन बिल्कुल सेम, मेरा सारा कंटेंट कॉपी हो गया. ठीक है, सो ये हमने प्रोग्राम अपना सक्सेसफुली कर लिया है. तो एक बार अगर आपको फिर से मैं जिस्ट में बता देता हूँ कि कैसे कैसे हमारा क्या क्या स्टेप हुआ था. अगर हम शॉर्ट में बात करते हैं फटाफट से, तो हमें एक फाइल दे रखी थी, हमें उसका कंटेंट कॉपी करना था. ठीक है, फाइल वन में हमारा कंटेंट था, फाइल टू में हमें कंटेंट कॉपी करना था. तो हमने इसको राइटिंग मोड में खोला और सिंपली हमने एक लूप चलाया, उसमें हमने एक कैरेक्टर फेच किया फाइल वन से. फाइल वन से हम कैरेक्टर फेच कर रहे हैं सीएच में और हम चेक कर रहे हैं कि एंड ऑफ फाइल होगा तो ब्रेक कर दो. और सिंपली हम यहाँ से गेट कर रहे हैं फाइल वन से, FP जो हमारी पहली फाइल है उससे हम गेट कर रहे हैं, एक कैरेक्टर उठा रहे हैं और सिंपली दूसरी वाली फाइल में पुट सी करके हम एक एक कैरेक्टर उसमें डालते जा रहे हैं. और सिंपली जब कब तक होगा, जब तक एंड ऑफ फाइल नहीं होगा. एंड ऑफ फाइल मतलब फाइल खत्म, फाइल खत्म तो मतलब अपना कंटेंट कॉपी हो गया. बस सिंपली हमने क्लोज कर दिया अपना FP और FP2 जो हमारा फंक्शन पॉइंटर था, सिंपली हमने एक मैसेज भी दे दिया कि डाल दिया फाइल टू में हमने कंटेंट. ठीक है, सो गाइस ये था हमारा, एक फाइल से हमने दूसरी फाइल में कॉपी किया कंटेंट. अगर वीडियो अच्छा लगा तो गाइस लाइक जरूर करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को अगर नहीं हो तो. एंड टिल द टाइम टेक.